के साथ ये बिल्ला भी मुझे मिला है। वाओ कितना क्यूट लग रहा है तू। मैंने ब्लिंकिट में शॉपिंग किया फ्रेंड, देख सकते हैं लोग, ये सारे चीज मैंने शॉप किया है, ये सारे सामान के साथ ये बिल्ला भी मुझे मिला है। इस सफेद वाला बिल्ला मुझे आया है। हाँ ये कवर में देख सकते हैं आप, है ना, आए हो ना तुम। पूरा घर छोड़ के उसके यही जगह मिला घुसने का। टेंशन का टेस्टी और क्या, सनलाइट टेंशन का पेडिग्री। यही सामान के लिए मैं ये सारे चीज ऑर्डर किए, इसका स्प्राइट और ये लिक्विड। टेंशन पेडिग्री चाहिए या फिर टेस्टी चाहिए, क्या चाहिए, टेस्टी टेस्टी। ये ना वो ज्यादा पसंद नहीं करता पर फिर भी मैं दूंगी। टाइसन को एक ट्रीट एक बार देते। टाइसन जी भी, टाइसन टाइसन ये जितना एक्साइटमेंट दिखा रहा है ना, आप लोग देखोगे वो कितना खाएगा, तब तो हो गया कि डोगू खाए। आ, 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 सिट डाउन गुड बॉय, अब अच्छे बच्चे के जैसे खाओ तो। क्या हुआ, हो गया तेरा, हो गया इसका ना, यही नाटक है। ये ना ट्रीट भी खुद से नहीं खाता है, खाना तो चलो हाथ से खाता है, ट्रीट भी नहीं खाता है। कैसा दिखा रहा था कि पूरा खा लेगा, भी देखो वो सूंघेगा, ये करेगा, बहुत इंटरेस्ट दिखाएगा, पर ऐसे ही मेरा पैसा बर्बाद करता है। ये जो डोगू है ये मेरा पैसा बर्बाद करता है, है ना टाइसन। टाइसन वही करते हो ना, तो कोई एक नया अनोखा चीज दिखा रही है, देखो। ये कहाँ पे गुस्सा पड़ा हुआ है, हाँ क्या क्या, घर नहीं है आपका, देखो ये पैकेट के अंदर गुस्सा पड़ा हुआ। Six and a half hours later. Hello friends, तो मैं finally अपना गोरियाहाट में जो मैंने सामान खरीद के लेके आई हूँ आज मैं दिखाने वाली हूँ। मैं एक दिन गई थी तो उस दिन बहुत बारिश था, तो मैं सामान लेके आई थी पर मुझे ना कुछ कुछ सामान नहीं मिला था, तो मैंने सोचा मैं दोबारा जाऊंगी, वो सारे चीज को मैं कलेक्ट करूंगी, फिर आप लोगों का आराम से पूरा दिखाऊंगी, है कि नहीं। यस, तो फिर मैं आज दिखाने वाली हूँ, पर आप लोगों से पहले मैं एक बात बोलने वाली हूँ, वो ये है कि जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार दो, आप लोगों को बहुत सारा हग किसेस। चलो अब शुरू करते हैं। तो ये रहा सारा सामान। म्यूजिक, कुछ कुछ तो पेपर ना चला गया, पता है क्यों, क्योंकि टॉम ने फाड़ फूड के सारे निकाल लिया। तो पहला तो ये ग्लास, मैंने सारा चीज ऐसा नहीं है कि छह चार सेट में मैंने नहीं लिया, मैंने ऑन ऑन पीस लिया, और आपको पता है बहुत ज्यादा बोला, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से आप फूड से ले रहे हो तो सामान बहुत सस्ता है, बोलने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे सामान बहुत एक्सपेंसिव है। एंड अमेजोन में भी मैंने देखा था, पर वही बात है, अमेजोन में मैं अगर ऑर्डर देती तो वहाँ पर मुझे 6-6 पीसेस का सारे सामान लेना पड़ता, तो उतना मैं क्या करूँगी, मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे लिए एक और दो चीज़ें काफ़ी होता है, सो इसलिए मैंने ले लिया है वहाँ से जाके। तो ये टूटी टूटी
तो पहला है ये कांच का ग्लास। ये ग्लास बहुत ही अच्छा है। इसका ऐसा ऐसा देखा जाता है ना। हाँ, बहुत ही ठीक है, अच्छा है। और इसका प्राइस है 200, एक पीस का 200। मैं तो लूट गई, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। मतलब अमेजोन में आप 6 पीस भी लोगे तो आपको 500 या फिर 450 इसमें आ जाएगा। इसमें एक ग्लास का 200 लिया है और बर्गेनिंग क्या करूँ, वो लोग यही बोल रहा था कि फिक्स प्राइस है ये वो, और कितना धूप में भी गई थी तो क्या बर्गेनिंग करूँ क्या। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, समझ में नहीं आ रहा था, मुझे जरूरत था और वैसे भी मुझे एक पीस कहीं और जगह से मिलेगा नहीं, तो मैंने ले लिया है। तो ये क्वालिटी अच्छा है, तो ये ग्लास मैंने लिया है। कमल के समरीन, हाँ। तो और मैंने एक मग लिया है, बिग मग। ये कितना क्यूट है, इसका प्रिंट कितना क्यूट है, और ये बहुत ज़्यादा इसमें, ये मैंने कॉफ़ी पीने के लिए, चाय पीने के लिए नहीं, ये तो पूरा मेरा खानदान पी लेगा, इतना चाय जाएगा इसमें। पर ये मैंने ग्रीन टी पीने के लिए लिया है कि ग्रीन टी पी लेंगे, या फिर सुबह सुबह मैं कोकोनट वाटर पीती हूँ, गर्म पानी या फिर ऐसे भी पानी पी सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था बिग, तो मैंने ले लिया है। और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, देखिए। और इसका प्राइस था इसका कितना लिया है, हाँ इसका कम किया था, इसको 200 वही बोल रहा था, तो मैंने बोला 150 150 150, तो लास्ट में 150 में ये दे दिया था। तो ये 150 का है, पर न्यू मार्केट में फिर भी मैं, न्यू मार्केट में वैसे भी मतलब ठीक ठाक है, न्यू मार्केट में फिर भी बर्गेनिंग थोड़ा हो जाता है, पर ये गोरियाहाट में, बंगला में बोलते हैं देबोना देबोना, सो गोरियाहाट में बर्गेनिंग मेरे से तो नहीं हो पाता है, सो आई थिंक मैं तो लूट जाती हूँ। सो यस, एक पीस। और ये मैंने एक बोल लिया है, इसका प्रिंट देखो, ब्लू एंड वाइट में है, भैया ब्लू एंड वाइट में। और ये मैंने सैलेड के लिए, सैलेड या फिर फ्रूट कुछ भी, ये सारे चीज़ खाने के लिए लिया है, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक़ है ये सारे चीज़ का, मुझे अच्छा लगता है। यस, और लड़कियों को तो बर्तन दिख जाए, ये सारे चीज़ दिख जाए तो अंदर का कीड़ा आ जाता है, औरतों वाला ले लो ले लो। तो वही तो मैंने ले लिया है, ये अच्छा है, ये सारी चीज़ मेरी माँ देख के बहुत खुश होगी। तो ये मैंने वो ले लिया है, ये अच्छा है। ये और ये आपका ये टू नहीं ये 200 लिया है या फिर 250, मुझे ना याद नहीं है, पर वो 200 250 में ही मुझे ये मिला है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें ही है। और एक छोटी सा ये एक बोल दिया है, ये मैंने 2 पीस लिया है, तो ये एक दुकान में मुझे 50 में मिला है, और दूसरा दुकान ने लूट लिया है, मुझे 100 में मिला है। यस गाइस, 100 में, एक में 50 में इसलिए क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा बारिश होना थोड़ा सा शुरू हो गया था, तो एक नहीं होता है कि उन लोगों का मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया उस टाइम, तो कोई ख़रीदने नहीं आ रहा था, तो मैं गई तो मुझे, मैंने बोला तो दे दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पास एक ही पीस था, तो वो भी सोच रहा होगा कि कौन ही लेगी, ये ले रही है तो इसको दे दो, तो मुझे दे दिया एक पीस। यहाँ पे यस, नाइट में मैंने निकाला था, तो मैंने शायद इसको ही निकाला था। हाँ, तो ये इसका कलर्स में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डीप कलर है और ये थोड़ा सा लाइट कलर है, पर ठीक है, ये आई थिंक ये डीप कलर है इसीलिए, अब मुझे पता नहीं है, तो जो भी हो ये है, एक 50 का है, एक 100 का है, तो मेरा तो यहाँ पे लग गई, तो जो भी हो ये 2 मैंने ले लिया है। और इसका ही मैंने कलर का लिया है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा था, पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि तब क्या होगा ना, अतरंगी हो जाता, बहुत सारा चीज़ हो जाता, तो मैंने सोचा एक ही सेट अगर मिल रहा है तो वाई नॉट मैं ले लेती हूँ। तो एक पास्ता प्लेट है, यहाँ पे पास्ता, स्पैगेटी या फिर सैलेड, आपका जो मर्जी आप खा सकते हो, दाल चावल भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आपका प्लेट आपका सामान, तब कुछ भी खा सकते हो। तो ये मैंने लिया है, अरे ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, और ये कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। और ये मुझे याद है, ये लिया था 250 रुपीज़, यस, और ये मुझे याद है इसका प्राइस, तो ये लिया था। और मुझे तो लग रहा है कि वो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, पर 1 पीस करके मैं ले रही थी, तो मेरे को मतलब कम नहीं कर रहे थे वो लोग,
तो बस यही एक। और मैंने और एक चीज़, ये कॉफ़ी मग तो है, ऑफकोर्स कॉफ़ी मग है, पर इसमें आप मैगी भी खा सकते हो, सूप भी पी सकते हो, लिक्विड का जो भी सामान आप खाना चाहते हो वो खा सकते हो आराम से, गरम गरम ऐसे ले लो स्पून से नम 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 नम। तो यस, इसका स्पून भी है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने लिया है कॉफ़ी मग, और ये लिया है 100 रुपीज़ में, तो इसका डील तो मुझे ठीक ही लग रहा है कि 100 रुपीज़ में ठीक ही है ये। और मैंने एक कप लिया है, वो है ये ब्राउन कलर का, ये चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, कुछ भी, तो कुछ भी पी सकते हो। ये 100 रुपीज़ का लिया है, और इसका मटेरियल भी अच्छा ही है, तो ये ठीक ही है, ये प्राइस के हिसाब से ठीक ही है। कुछ कुछ प्राइस कुछ ज़्यादा ही ले लिया है मेरे से। और एक है, ये मैंने सैलड बोल लिया है, ये मैंने मैचिंग नहीं लिया है, बिकॉज ये वाला ना मटेरियल, मतलब इसमें देखो ग्लो कर रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा था, सी तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। और देखते हैं, अब ये देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है, मैं घर आने के बाद मैं सोच रही थी कि ऐसे ही मटेरियल का ही बहुत सारा चीज़ था, तो मुझे वो लेना था, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं एक प्लेट या फिर कुछ और ले लूँगी। तो ये भी अच्छा है, ये ग्रीन, ये सी ग्रीन है, और एक कलर भी बहुत ही प्यारा है, देखिए ऐसा डायमंड के जैसे चमक रहा है, हाय अल्लाह, ये तो सच में चमक रहा है, डायमंड के जैसे चमक रहा है। और ये 300, ये 300 में लिया है, एक कम ही नहीं कर रहे थे और कम नहीं हो रहा था, तो लास्ट तो 300 ही, 400 पहले बोल रहे थे, उसके बाद 300, तो ठीक है। तो वैसे भी वन पीस ही ले रही थी मैं, तो वैसे भी वन पीस देता नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, 6, 2, 4 ऐसा बोलते रहते वो लोग, सो ठीक है कोई नहीं। तो ये मैंने ले लिया है, और एक मिनट, बाबू टॉम फिर आ गया है। और ये मैंने छोटू सा स्पून लिया है, आप लोगों को मैं बता रही थी ना मैंने स्पून लिया है, वाओ कितना क्यूट लग रहा है ये, तो सूप है नहीं बस फील कर रही हूँ, तो कभी बनाएंगे तो पी लेंगे। और जैसे सूप हो गया, मैगी सूप हो गया, या फिर कुछ और अच्छा फीलिंग है। तो ये मेरा पागल की जैसा हरकतें करती रहती हूँ। अरे मैंने एक प्लेट ले लिया है खाना खाने के लिए, ये प्लेट ऑलरेडी मैं यूज कर चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ, क्योंकि कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे वैसे ही वीडियो शूट करना था, बट फिर भी मैंने खा लिया इसमें, क्योंकि यही एक सामान, यही एक प्लेट है जो मैं रख नहीं पाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं जिस दिन लेके आई थी, मतलब फर्स्ट टाइम जो 2 दिन पहले मैं गई थी, तो तब से मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। तो ये एक प्लेट है, और इसका भी प्राइस आपका वही 300 ही है, हाँ 300 ही है। इसका एक ब्लैक था, प्योर ब्लैक, और मेरा दिल आ गया था, पर यही बात है, सिर्फ प्लेट जो था वो ब्लैक था, उसके पास साथ और कुछ मैचिंग का मुझे नहीं मिल रहा था। ये जो ब्लू में जो वाइट प्रिंट है, इसका ही ऑलमोस्ट सारे मैचिंग में मिला है, जैसे कि लाइक दिस। ये थोड़ा सा लाइट कलर दे दिया है ना फ्रेंड, बताना तो आप लोग, दोनों सेम है, तो एक में 100 रुपया लिए, एक में 50 रुपया लिए, मतलब मेरे को क्या बेवकूफ बना के गया। और मतलब ऐसा, मतलब वो लोग करते हैं ना, नहीं 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 ये ऐसा करते हैं ना, खराब लगता है खुद को, मतलब क्या बार्गेनिंग करे, फिर लगता है कि ठीक है दे दो यार, मतलब ऐसा लगता है कोई कोई चीज़ आता है। अरे ऐसा गोरीहट में ही करता है, न्यू मार्केट में ऐसा नहीं होता। आई लव न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में सब कोई बहुत अच्छे से बात करता है, गोरीहट में कुछ लोग अच्छे हैं, पर कुछ कुछ जो दुकानदार है बहुत ही रूड होते हैं, एंड वो लोग अच्छे से दिखाने भी मतलब नहीं मांगते। अगर आप एक पीस का बात करोगे ना, तो वो लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, देख लो ऐसा ऐसा करता है। सो यस, गोरीहट इसलिए मुझे उतना पसंद नहीं है खास, टॉम को देखा आप लोगों ने जम किया मेरे ऊपर, तो उतना मुझे गोरीहट पसंद नहीं है। पर वही बात है कि मेरे मतलब न्यू मार्केट जाएंगे तो मुझे थोड़ा लॉन्ग टाइम लग जाता है
जाने में आने में, और गोरियाट बहुत ही मतलब पास में, एक घंटे में सामान लेके भी आ सकती हूँ मैं, इतना जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मैं चली गई थी, बट गोरियाट मुझे खुद ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जो भी हो, ये सारे ये दो प्लेट के साथ ये इसमें आराम से खा सकते हो। इसका ये सारी चीज़ें मैचिंग है, अच्छा लग रहा है, प्रिटी लग रहा है ये। तो बस इतना ही, तो मैंने इतना कुछ लिया है और इतना सामान में मेरा अच्छा खासा तो पड़ तो गया है। 1600 नहीं, मेरा 1700 समथिंग पड़ गया है। फिर इतना में तो अच्छा खासा डिनर सेट, इतना में तो अमेजोन में अच्छा सा डिनर सेट मिल जाएगा। मेरा जो वाइट वाला जो डिनर सेट है, वो मैंने कुछ लगभग 6 प्लेट है, जो 4 छोटा छोटा बोल है, फिर 6 छोटा छोटा क्वार्टर प्लेट है। तो मुझे 1045 समथिंग में मिला था, और इसमें से देखो 1700 समथिंग। तो ये बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव पड़ गया है। सो मेरा मानो तो आप लोग अगर कोई लेना चाहते हो ऐसा जैकेट, तो मत लो, क्योंकि बेकार है, सच में बेकार है। पैसा इन्वेस्ट मत करो इसमें, और थोड़ा सा पैसा लगा के बहुत अच्छा डिनर सेट ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट पूरा डिनर सेट मिल जाएगा, बहुत सारा सामान रहेगा। ऐसे ऑन पीस करके लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा बेकार ही बर्बाद होता है। मेरा तो हो गया, आप लोगों का ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। और एक चीज़, आप अगर फूड से लेते हो कहीं से भी, जैसे कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, आप लोग मुंबई में, बहुत सारा बैंड्रा, बहुत सारा सब जगह का अलग होता है। मैंने देखा भी है, सरोजनी में भी बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है, पर डिपेंड करता है कि बर्गेनिंग के ऊपर, प्राइस के ऊपर। आपको अगर फिट बैठ रहा है सारे चीज़ लेने के बाद, काउंट करने के बाद, सो देन आप लो, अदरवाइज़ ये सारे प्लेट वगैरह ये तो मैं लेने नहीं बोलूँगी। हाँ, कपड़ा वगैरह का वो तो अलग बात है, बट मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस हुआ है एंड अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा मेरा पैसा चला गया है। सो यस, मैं तो मतलब ठीक है, अब मैंने ले लिया तो मैं क्या करूँ। अब मैं अपने आप को ये तो नहीं बोलूँगी कि मैंने क्यों लिया, पर ठीक है, आप लोगों को मैं मना कर रही हूँ कि मत लो, क्योंकि मैं भी अगर किसी का ऐसे वीडियो देख लेती और मुझे पता चल जाता कि इतना कॉस्ट लगता है, तो सच में मैं भी नहीं लेती। तो जो भी हो, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। प्लीज लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को और कैसा वीडियो चाहिए, आप लोग देखना चाहते हो मेरे चैनल पे यस। और मैं उस टाइप का वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। सो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। Thank you.